शहर से 20 किलोमीटर दूर ग्राम लमनिया में पिछले साल जेट द्वारा बहू को गोली मारने की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद से पुलिस गोली मारने वाले अपराधी की तलाश कर रही थी। देहात थाना पुलिस को शुक्रवार को सफलता हाथ लगी। देहात थाने में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें SDOP भारत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पिछले साल कीर्ति शर्मा का पारिवारिक मकान विवाद के चलते फरियादी के जेठ देवी शंकर ने हत्या करने की मंशा से उसे गोली मार दी थी, जिस पर पुलिस ने अपराधी पर मामला पंजीबद्ध किया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि SDOP भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में देहात थाना प्रभारी महेंद्र शाक के द्वारा उक्त अपराधी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी। अपराधी को पगारा रोड सागर में गिरफ्तार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा 15 बोर का एवं 2 कारतूस जिंदा आरोपी से बरामद किए गए हैं। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज थाना देहात गंज बासुदा में गत वर्ष 28-20-2020 को ग्राम लवनिया में एक पारिवारिक झगड़ा हुआ था, जिसमें देवी शंकर शर्मा ने अपनी बहू कीर्ति शर्मा पर फायरिंग की थी, प्राणघातक हमला किया था और देसी कट्टे से फायर किया, जिस पर से उसको उपचार के लिए भोपाल भेजा गया था और 307 का अपराध देवी शंकर शर्मा के विरुद्ध पंजीबद्ध करके तलाश जारी थी। किस बार समय किया था सर? 2020। हथियार पकड़े गए क्या इनके साथ? इसके आधिपत्य से हमारी टीम थाना प्रभारी देहात श्री महेंद्र शाह, अनुज दांगी उपनिरीक्षक, राजेंद्र दांगी, ASI ब्रह्मा सिंह और आरक्षक स्टाफ सागर गया था और सागर में तलाश की थी, वहां से रेड करके लाके हिरासत में। इन पे इनाम भी घोषित थी क्या सर? कुछ हाँ, देहात थाने में इन पे हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक श्री विदाई वर्मा जी ने पूरी टीम को 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।